विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि 3 मार्च को गैरसैंण में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, तो वहीं 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। वहीं 4 मार्च को प्रदेश सरकार अपना बजट भी पेश करेगी, तो 5, 6 और 7 मार्च को बजट पर चर्चा की जाएगी। तो अब 4 दिन की जगह बता दें कि 5 दिन का ये सत्र होने वाला है, यानी कि 7 मार्च को भी ये सत्र चलाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 3 मार्च को गैरसैंण में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और 4 तारीख को ही बजट उत्तराखंड का पेश किया जाएगा और 5, 6 और 7 तारीख को बजट पर चर्चा की जाएगी। तो पहले ये बजट सत्र जो था वो 4 दिन का था, लेकिन अब एक दिन बढ़ाकर उसको 5 दिन का सत्र कर दिया गया है। तो बड़ी खबर देहरादून से, अधिसूचना बजट सत्र को लेकर जारी कर दी गई है यहाँ पर। और पंकज जी हमारे साथ एक बार फिर से हमारे देहरादून से ब्यूरो चीफ यहाँ पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, पहले 4 दिन का था और लगातार मांग की जा रही थी, आखिरकार इतना ये सत्र छोटा क्यों किया जा रहा है? हालांकि अब इसको 5 दिन कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष यहाँ पर घेरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, 4 तारीख को बजट पेश होगा और प्रदेश के लोगों को बहुत उम्मीद है इस बजट से। बिल्कुल ऋतु जी, सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार पर अभी भी सवाल तो उठेंगे, भले 4 दिन का और बढ़ाकर थोड़ा 5 दिन का कर दिया, लेकिन बजट सत्र इतना होता नहीं है। बजट सत्र लगभग 10 से 15 दिन का तो होता ही है, और देहरादून में जब भी बजट सत्र हुए हैं वो ज्यादा दिन के हुए हैं। लेकिन अब सरकार ने 5 दिन का सत्र घोषित किया है। 3 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण गैरसैंण में होगा और 4 तारीख को उस पर चर्चा होगी और 4 तारीख को ही सरकार का बजट रख दिया जाएगा और लगभग 4, 5 और 6 और 7 तक इस पर चर्चा होती रहेगी। तो आप ये समझिए कि 4 दिन में राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा हो जाएगी, उसके साथ साथ बजट पर भी चर्चा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार थोड़े हौच पौच वाली स्थिति वहां पर जरूर पैदा हो जाएगी और कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में बजट सत्र भी होगा और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होगी, क्योंकि हर चीज पर विधायक अपनी बात रखना चाहते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का जो पूरे साल भर का खाका होता है कि क्या कुछ राज्य में सरकार करना चाहती है, वो तमाम चीजें आती हैं, लेकिन उस पर अगर चर्चा ना हो तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद बजट पर भी, बजट में क्या कुछ सरकार देने जा रही है इस पर भी चर्चा अगर ना हो और विधायक केवल ध्वनि मत के आधार पर या बहुमत के आधार पर अपना पास कर दे तो अच्छा, वो भी ठीक नहीं लगेगा। धन्यवाद आपका पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।